हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। सुबह का बज रहा 6:30 और अभी मैं पानी दे रहा हूँ खेत पर। मौसम देखो यार, कितना तबाही हो रखा, और रात में हल्के फुल्के बारिश भी हुआ, तो मैं सारे रात खेत में ही था। आज मैंने सारे रात सोया नहीं, सारे रात पानी दिया, और आपको मेरा आँख देख के समझ में आ रहा होगा, पूरे आँख मेरा लाल लाल सा हो रखा। कुछ समय में लाइट गोल होने वाला है, तो अपन चलते हैं घर। और मुझे आज सुहागपुर भी जाना है, कुछ काम है, तो आपको आगे वीडियो पे बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं घर। और कल शाम को मैंने यूरिया डालते डालते आधी यूरिया बचा के रख दी था मेड़ पे, तो रात में हल्के पुल के बारिश हुआ। वैसे तो मैंने पाल में ढाक रखा था, देखते हैं गीला तो नहीं हुआ, अगर गीला हो गया होगा तो गल गया। वैसे तो उतने खास पानी गिरा नहीं, हल्के पुल का पानी गिरा और मैंने पाल से ढाक के रख दी था। चलते हैं देखते हैं। ये रहा अपना बैटरी। शायद अंदर नहीं गया होगा पानी, ये देखो साइड में पानी भर गया, इतना पानी गिरा रात में, पाल में जुड़ गया पानी। हाँ, अगर पाल में ना हो तो ना तूरिया भीग सकता था। पाल ढाक रखा इस वजह से, उम्मीद है कि गीले नहीं हुआ होगा। इसे खोलते नहीं, जब दोपहर में आऊंगा डालने तब खोल के डाल देंगे। तो अब निकलते हैं घर। सो गाइस, नहा आकर फुलून रेडी होकर मैं आया हूँ अभी खेत कचरे उखाड़ने के लिए, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ सुहागपुर। गेहूं में काफी ज्यादा कचरा हो रखा, तो इसलिए जा रहा हूँ सुहागपुर दवाई लेने के लिए, कचरे मार दवाई लेने। यहाँ पे देखो कितने सारे कचरा, पुर्जे वाले भी है ना, काफी ज्यादा है। कचरे उखाड़ किस लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दुकान वाले को आसानी होगा दवाई देने में, इस वजह से मैं अभी कचरे उखाड़ने खेत आया हूँ। ये वाले कचरे सबसे खतरनाक है, इसके नाम शायद मोथा वोथा बोलता है, मुझे सही भी पता नहीं है, तो इन्हें ले चलते हैं ताकि दुकान वाले को आसानी होगा दवाई देने में। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता पे है साबूदाना, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं पर निकलते हैं। 520 सुबह अभी कर रहा नाश्ता, यहाँ पे सोचू। सो अभी ले रहा हूँ मैं चाय की चुस्की, दवाई वगैरह ले लिए। दवाई वगैरह लेने के बाद नाश्ता करा छोटू ने, करा नाश्ता, मैंने पिया चाय, क्योंकि आज मेरा व्रत है ना, मंगलवार है। सामने पे सुहागपुर का स्टेशन। सुबह सुहागपुर से वापस आ चुका हूँ, और मैंने ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं किया यार, मन नहीं लग रहा था, मेरा सिर दर्द सा कर रहा था। मैं आपको बता दूँ मैं कौन सा दवाई लेके आया, ये है दवाई गेहूँ में डालने के लिए कचरा मार, है ना। ये 2 पैकेट है, और 2 ये है, 2 पैकेट है, 1 पैकेट 1 एकड़ की है ये, तो 2 एकड़ के लिए लेके आया हूँ मैंने, 2 पैकेट 1 एकड़ का, 1 एकड़ का। तो अभी मुझे खेत जाना है यूरिया डालने के लिए, तो कपड़ा चेंज करते हैं और निकल चलते हैं खेत। तो खेत पहुँच चुका हूँ मैं, और आज थोड़ा ठंड कछु ज़्यादा ही लग रहा है यार, इच्छा नहीं हो रहा जैकेट उतारने की। चलो पूरी फेंकते हैं, फिर से पहन लेंगे, टूरिया में ख़राब हो जाएगी ना, वैसे ख़राब तो है अपनी, ये टेम्परेरी है, पानी वगैरह देने पहनता हूँ मैं। देखो चारों तरफ बदल छाया हुआ है, और रात में हल्के फुल्के बारिश भी हुआ था। तो रात के पानी में यूरिया शायद, देखते हैं यूरिया भीगा तो नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा भीगा होगा, नहीं भीगा होगा, पर पानी ना पहुंच गया अंदर। नहीं भाई, नहीं 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 भीगा, नहीं भीगा, नहीं भीगा भाई, सही रपड़ा ये देखो। गाइस देखो यहाँ पे जंगली बिल्ली चल रही है, ये भाग रहा, ये भाग रहा, ये भाग रहा, देखो जंगली बिल्ली, आपने कभी देखा, ये देखो ये भाग रहा, ये भाग रहा, ये लाइट जा रहा नहीं, ये देखिए, ओह जंगली बिल्लिया,
भाई ये कौन से पक्षी की आवाज है कमेंट करके जरूर बताना। हम तो इसे बटेर बोलते हैं, हर जगह के अलग अलग नाम है, तो आप लोग किधर क्या बोलता है कमेंट करके जरूर बताना। सुबह सुबह मस्त आवाज कर रहा है। मैं दे रहा हूँ अभी पानी।